सो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी बैटरी को कैसे बचाएं। काफ़ी क्या होता है कि हमारी बैटरी है जो घटती है जब भी हम फ़ोन रख देते हैं तो, और वो काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। गाइस आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले घंटी के बटन को दबा के हमारे चैनल के बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। गाइस और इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, और अब चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज यार, सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी लाइफ घटती कैसे, यानी बैटरी लाइफ बैकअप। यानी हम जब भी कुछ मतलब चला के हमने चला लिया, उसके बाद हमने इसको बंद करके रख दिया तो अपने आप ही बैटरी जैसे 100% है, तो हमने बंद करके रख दिया तो अपने आप ही बैटरी सुबह देखेंगे तो वहाँ पर 80 या 85 तक उतरी हुई मिलेगी, जबकि हमने को तो कुछ यूज़ ही नहीं किया। तो गाइज यहाँ पर कुछ हद तक इसका सॉल्यूशन है, जिसका भी बैटरी खर्च होता है काफ़ी हद तक सबका ठीक हो जाता है, लगभग 99%। कुछ हद तक थोड़ा बहुत बैटरी जो है फ़ोन लेता ही है, यानी वो भी बंद हो जाता है अगर किसी के फ़ोन में मतलब अच्छा हो तो, नहीं तो फिर तो भाई अपन भी क्या कर सकते हैं उस चीज़ में। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी होती है जो कि मैं आपको बता दूँगा, लेकिन ये आपको मतलब पहले वाईफाई ब्लूटूथ और ये सब कुछ ऑफ, यानी बर्तन गिर गए हैं गाइस, पीछे की बैकग्राउंड पे आप ध्यान ना दीजिए और यहाँ पर हमारी वीडियो पर ध्यान दीजिए। तो वो बात है कि अपन वाईफाई ब्लूटूथ ऑन रखते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो तो खाएगा ही। अगर इसके बावजूद भी हमको यदि हमें मतलब वो जो है बैटरी खाता है फ़ोन, तो फिर आपको कुछ सेटिंग्स करनी होंगी जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली सेटिंग है हमारी फ़ोन की सेटिंग्स में, तो सेटिंग में चलूंगा मैं यहाँ पर। सेटिंग में जाने के बाद अब यहाँ पर आपको अबाउट फोन में चले जाना है। अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाना है। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको बिल्ड नंबर मिलेगा, उस पर देखिए कैसे मिलेगा वो। बिल्ड नंबर पे 7 बार आपको 7 टाइम टैप करना है और फिर वो मतलब फिर एक पिन या पैटर्न जो है मांगेगा, फिर आप डेवलपर मोड ऐसे बोलेगा, डेवलपर मोड हैज़ बीन इनेबल। अब हमारा ये जो है इनेबल है डेवलपर वो मोड, अब यहाँ पर हम बैक करेंगे। अबाउट फोन के जस्ट ऊपर यानी लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सेटिंग्स देख जाएंगे हम। सबसे पहले पूरा स्क्रॉल कर देंगे पूरा। अब यहाँ पे राइट टू लेफ्ट या आपकी इच्छा हो जिसे आप स्वाइपिंग कर करके ढूंढ सकते हैं यहाँ पर। सो गाइस यहाँ पर आपको ये मिलेगा एप्स हेडिंग बताएगा और उसके बाद आपको राइट स्वाइप करना है। ये डोंट कीप एक्टिविटी, इसको आप ऑफ करना चाहे ऑन रखेंगे तो होगा क्या कि जिसे आप पहली बात तो इसे ऑफ ही रखें, क्योंकि जो हाँ ये एक तरीके से सही है कि अपने प्रोसेसर पर लोड नहीं पड़ता है,
और जैसे लेकिन जब व्हाट्सएप की कोई ऑडियो बड़ी ऑडियो सुन रहे हैं आप और जैसे ये स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो ये बंद हो जाएगा फ़ोन, वो अपने आप ही वॉइस नोट चलना बंद हो जाएगा। आपको तो कुछ सेटिंग्स यहाँ पर करनी है। अब यहाँ पर आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पर नो बैकग्राउंड प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ पर क्या क्या आता है, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड लिमिट रखा होगा, यहाँ पर आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे टिक करना है और उसके बाद लेफ्ट स्वाइप करना है, नीचे आ जाना है, फिर ये तो काम हो जाएगा अपना। अब यहाँ पर ड्रॉ हेडिंग के बाद यहाँ पर आएगा वो राइट स्वाइप करना है, ये भी कुछ काम का नहीं है। अब यहाँ पर विंडो एनिमेशन स्केल, ये आपको ये हो रखा होगा 1.5x पे, तो यहाँ पर और एनिमेशन ऑफ कर देना है। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, चल के देख सकते हैं। यहाँ पर ये हो रखा होगा तो एनिमेशन ऑफ पे क्लिक कर देना है। फिर एक बार राइट स्वाइप करेगा तो ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल आएगा, वहाँ पर भी ऐसे ही कर देना है एनिमेशन ऑफ। एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल, यहाँ पर भी इसको भी वैसे ही करना ऑफ। और अब आपको एक इम्पोर्टेंट सी बात बता दूँ मैं कि जब भी आप फ़ोन को रिस्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट होने के बाद, फ़ोन ओपन होने के बाद, ये बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट पे ही चला जाता है। तो डेवलपर मोड में आके और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को नो बैकग्राउंड पे कर दीजिएगा। अब दूसरी सेटिंग देखते हैं, दूसरी क्या है। दूसरी हम नोटिफिकेशन शेड में जाके, जैसे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन शेड में मैं गया क्विक सेटिंग में, यहाँ पर पावर सेविंग मोड को ऑन कर, हमेशा ऑन करके रखिएगा ताकि आपकी बैटरी जो है वो घटेगी नहीं। अब तीसरी सेटिंग हमारी प्ले स्टोर में है, तीसरी सेटिंग को हम प्ले स्टोर से देखेंगे। सो गाइस यहाँ पर हम प्ले स्टोर में चलेंगे, प्ले स्टोर में यहाँ पर हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर ये जो बोलता है इसके, इसको अकाउंट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर प्ले स्टोर की सेटिंग में जाएंगे, अब यहाँ पर गाइस हम सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे इसमें भी नहीं जाना, इसमें जाना है क्लिक टू एक्सपेंड नेटवर्क प्रोफेशन सेटिंग में, इसमें जाके ये क्लैप्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, इसको नहीं छेड़ना है। ऐप डाउनलोड प्रोफेंस ओवर एनी नेटवर्क, ऑटो अपडेट एप्स, तो यहाँ पर आपको इसमें चलना है। यहाँ पर ओवर वाईफाई ओनली हो रखा होगा तो डोंट ऑटो अपडेट पे टिक कर दीजिए और डन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आता है ऑटो प्ले वीडियो, डोंट ऑटो प्ले वीडियो, यहाँ पर आपको ओवर वाईफाई ओनली हो रखा होगा तो आपको डोंट ऑटो प्ले वीडियो पे क्लिक करके डन कर दीजिए। अब यहाँ से हम बैक आएंगे, अब जो भी आपके ऐप्स, जिसे मान सभी ऐप्स आपके काम तो आते ही है, अब आपको उनके अंदर क्या करना है, यहाँ पर हम होल्ड प्लेस प्रेस करके रखेंगे। अब यहाँ पर ऐप इन्फो में जाएंगे, ऐप इन्फो में जाने के बाद अब बैटरी में जाना है, यहाँ पर अब यहाँ पर जो अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी है इसको यहाँ पर ऑन कर देना है। बस आपकी जिस भी ऐप्स में है, मतलब जो मतलब सब ऐप्स में ये कर देना है, बाकी जब भी फिर ये जब भी आप चलाओगे तभी रन करेगा, उसके बाद ये नहीं करेगा।
आशा आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी शोर हुआ था लेकिन आप हमारी परेशानी को समझ सकते हैं। आज ऐसे ही थोड़ा ऐसे ही शोर हो रहा था। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।